दोस्तों आज है मेरे टूर का दूसरा दिन और मैं जा रहा हूँ पुष्कर बाय रोड इस पुष्कर घाटी से। दोस्तों ये घाटी बहुत ही देखने में सुंदर है, आप चाहें तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए होल्ड करके रुक करके इस घाटी का नज़ारा ले सकते हैं। चलिए चलते हैं पुष्कर। दोस्तों पुष्कर में एंटर करते समय हमें सबसे पहला मंदिर मिलता है ये वाला, जिसका नाम है नौखंडी बालाजी। दोस्तों पुष्कर में अगर आपको घूमना है तो आप यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करें। यहाँ पे 3 बस स्टैंड है जो कि इस मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, जिसे कहते हैं रामधाम बस स्टैंड। दूसरा बस स्टैंड है नया बस स्टैंड जो कि तहसील पर है, वो भी यहाँ से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर है, 0.5 किलोमीटर। और उसके बाद आता है एक और मारवाड़ बस स्टैंड जो कि पास में ही है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर। चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर का पूरा नाम है नौखंडी तुलसी हनुमान मंदिर। चलिए चलते हैं इस मंदिर में। इस मंदिर में पहुँचते ही हमें सबसे पहले सूर्यदेव मिलते हैं अपने रथ पर सवार हुए। यहीं पास में 3 साधुओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। दोस्तों इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर रहने वाले किसी साधु को धरती में से आवाज आई कि मैं इस जमीन के अंदर हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब यहाँ पर खुदाई निकली, खुदाई में हनुमान जी की पुरानी मूर्ति निकली और जहाँ से हमने एंट्री की है पहले ये मूर्ति वहाँ पर स्थापित थी। फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके मूर्ति को पीछे खिसकाया गया और यहाँ पर हनुमान जी की चमत्कारिक मूर्ति को स्थापित किया गया। ये है श्री हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम। इसी मंदिर के पास में यहाँ पर हमें गणेश जी, राम स्वरूप श्री राम जानकी लक्ष्मण जी, तीनों माताएं लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, और यहीं पास में हमें शिव जी के दर्शन भी होते हैं। जय श्री राम। बम बम भोले, जय हो मेरे भोले भंडारी बाबा की जय। दोस्तों इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्राचीन कथा है। चलिए अब हम चलते हैं इस मंदिर के ऊपर। यहां से हम जाते हैं मंदिर के ऊपर। दोस्तों इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि रामायण में जैसे 9 खंड हैं, उसी तरह से उन 9 खंडों को इस मंदिर में उन खंडों के हिसाब से ही इन मूर्तियों को स्थापित किया गया है। आइए चलते हैं आगे। ये है पहली मूर्ति जो कि है लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। जय वासुदेव, जय लक्ष्मी नारायण। आइए आगे चलते हैं। ये है दूसरी मूर्ति, जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। ये है तीसरी मूर्ति, जय सिया राम, जय श्री राम। ये है हमारे भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, आपके चरणों में नतमस्तक हूं। इसके बाद में आती हैं हमारी काली माता, जय कालरात्रि, माता काली की जय हो। फिर आते हैं हमारे श्री रामचंद्र। इसके बाद में सबसे ऊपर है हमारे पंचमुखी हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों इन हनुमान जी के 5 मुख हैं, इसलिए इनका नाम पंचमुखी हनुमान भी पड़ा है। ये यहाँ से आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर नजर रखते हैं और आने वाले हर संकट को यहाँ से दूर करते हैं, इसलिए इनका नाम संकट मोचन हनुमान भी है। और इस मंदिर का नाम नौखंडी बालाजी हनुमान इसीलिए ही पड़ा है क्योंकि यहाँ पर रामायण के 9 खंडों में ही इस मंदिर को बनाया गया है, 9 खंडों के अनुसार।
हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाने के लिए यहीं पे पास में नसैनी रखी है, जो कि हर शनिवार और मंगलवार को इन हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी का एक मुख आगे है, दूसरा पीछे, तीसरा और चौथा अगल बगल, अब पांचवा सबसे ऊपर। जय श्री राम। कहते हैं हनुमान जी सभी का संकट दूर करते हैं। दोस्तों, यहाँ से पुष्कर का नज़ारा बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में हनुमान जी का मंदिर। दोस्तों, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इसे कहते हैं नाग पहाड़। कहते हैं हरियाली मावस्या को एक दिन के लिए यहाँ पर पत्थर सोने का होता है, केवल एक क्षण के लिए। इसलिए यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं और इसकी यात्रा करते हैं, और उस पत्थर को जिसका नाम है उसे कहते हैं लक्ष्मीपुर। दोस्तों, ये सामने से रोड आ रही है, ये है जयपुर और अजमेर रोड। यहाँ पे ये रोड दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। पहली रोड जाती है मारवाड़, दूसरी जाती है रामधाम। मारवाड़ बस स्टैंड यहाँ का सबसे पुराना बस स्टैंड है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नीचे और हनुमान जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर शिलालेख लिखे हुए हैं, इनमें पूरी की पूरा सुंदरकांड लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे खड़े होकर के पूरा सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है नौखंडी तुलसी मानस हनुमान मंदिर। यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, बिल्कुल पास में ही है ब्रह्म गायत्री मंदिर, और अगर आपको अजमेर वापस जाना है तो यहीं पर पास में है रामधाम बस स्टैंड। चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं गायत्री माता के। ये है गायत्री माता का मंदिर, श्री ब्रह्म गायत्री मंदिर पुष्कर। आइए करते हैं दर्शन। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता गायत्री की। दोस्तों, ये है हमारी गायत्री माता, जिन्हें कहते हैं ब्रह्म गायत्री। यहीं पास में रखे हुए हैं छोटे से कन्हैया जी, ये हमें हर जगह मिल जाते हैं इजली। दोस्तों, गायत्री माता के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें उनकी आरती है और उनके बारे में जानकारी है। कुछ जानकारी मैं आपको उनके बारे में दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पास में है छोटे से शिव जी अपने परिवार के संग में, और यहीं पर पास में है हमारे हनुमान जी। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी यमामृत। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आइए जानते हैं पंडित जी से गायत्री मंदिर के बारे में। वर्मा जी की पत्नी है गायत्री और सावित्री, गायत्री दुकान से बेटी भी है, दो पार्ट है, एक
पुराना मंदिर है गायत्री का, प्राचीन मंदिर भाई, प्राचीन गायत्री मंदिर पुष्कर। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अब होने वाली है गायत्री माता की आरती। तो चलिए हम गायत्री माता की आरती अटेंड करते हैं, फिर आगे निकलेंगे हम पुष्कर सरोवर के लिए। गायत्री माता मंदिर से निकलने के बाद में हमें पास में ही मिलता है गायत्री शक्तिपीठ। यहाँ पर दोस्तों बच्चों के जन्म संस्करण और शादियाँ भी करवाई जाती हैं। ये बहुत ही आध्यात्मिक शक्तिपीठ है। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। दोस्तों जो आप रास्ता देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, ये रास्ता जाता है पुष्कर सरोवर के पीछे और यहीं पास में है गुरुद्वारा। दोस्तों कभी टाइम मिला, मौका मिला तो मैं गुरुद्वारे का भी वीडियो आपके सामने ज़रूर ले करके आऊँगा। चलिए चलते हैं अब हम आगे। गुरुद्वारे से थोड़ा आगे निकलने के बाद में हमें यहाँ पे ग्वालन मिलती है चारा देने के लिए। दोस्तों आप इनके बहकावे में मत आना और अपनी श्रद्धा के अनुसार ही गायों को चारा दीजिएगा। गाय को चारा देने के बाद में हम यहाँ से आगे चलते हैं। दोस्तों तो हमें सामने दिखाई देता है होटल सरोवर, जो कि राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है और इसमें जो रेट्स होते हैं दोस्तों वो रीजनेबल रेट्स होते हैं, आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं।
होटल सरोवर से निकलने के बाद में ही यहाँ पे पास में है नया रंगजी का टेम्पल। चलिए दोस्तों चलते हैं नया रंगजी का टेम्पल, जिसे कहते हैं वेणुगोपाल टेम्पल के नाम से भी जानते हैं यहाँ के लोग। और दोस्तों हम आ गए हैं वेणुगोपाल टेम्पल के अंदर। दोस्तों ये है वेणुगोपाल टेम्पल, इसकी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ही एक हूबहू मंदिर है जो कि कहलाता है पुराना रंगजी का टेम्पल। दोस्तों इस टेम्पल के अंदर खास बात यह है कि इसमें सोने का खंभा लगा है और उसमें भी लगा हुआ है। इसकी कहानी ये है कि पुराने रंगजी के टेम्पल में कई समय पहले एक लेडीज़ भगवान के दर्शन करने गई और वो भगवान के दर्शन करने के बाद ही भोजन करती थी। और एक दिन क्या हुआ, वो लेट हो गई और लेट होते होते बज गए 12, दिन के 12। तो पंडित जी ने उनको मना कर दिया, मैं भगवान के दर्शन नहीं करा सकता। तो उसने खूब रिक्वेस्ट की मगर वो नहीं माने। तो उन्होंने गुस्से में आके उनको कह दिया कि अगर आपको इतनी ज़्यादा ही है दर्शन करने की चिंता, तो आप अपना मंदिर खुद ही बनवा लीजिए और आप खूब दिन भर दर्शन करिए। तो उस लेडीज़ ने गुस्से में आकर के हूबहू वैसा ही मंदिर वेणुगोपाल का यहाँ पे बनवा दिया। तब से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। चलिए दोस्तों वेणुगोपाल मंदिर के अंदर हम कैमरा लेके नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से निकलते हैं हम सीधे पुष्कर सरोवर के लिए। दोस्तों पुष्कर सरोवर जाने के लिए हमें इस रास्ते को लेना पड़ेगा। दोस्तों अब हम जा रहे हैं पुष्कर सरोवर वेणुगोपाल मंदिर से निकलने के लिए। ये रास्ता जाता है सीधे पुष्कर सरोवर के लिए। ये है यहाँ का मार्केट। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही हमें लेफ्ट हैंड पर मिलेगा बिहारी जी का मंदिर, आप इसमें भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और हम आ गए हैं बिहारी जी के मंदिर के पास में। दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे कि आप इजिली पुष्कर सरोवर के पास पहुँच सकें। चलिए चलते हैं। दोस्तों मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ आपको वैसे ही जाना है पुष्कर सरोवर के लिए। ये है होटल पुष्कर पैलेस, यहाँ का सबसे महंगा होटल। ये 3-4 स्टार कैटेगरी में आता है और यहीं पास में है होटल RTDC सरोवर, जिसका कि ये पीछे का और फ्रंट गेट है। दोस्तों हम आ गए हैं पुष्कर सरोवर के पास में। ये है पुष्कर सरोवर और यहाँ से आप सनसेट पॉइंट का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फॉरनर्स आते हैं वो आते हैं और यहाँ पे शाम के टाइम वो सनसेट पॉइंट के संग में चाय नाश्ते का आनंद लेते हैं और मेडिटेशंस जो साउंड्स होते हैं उनको भी बहुत इंजॉय करते हैं। यहीं पीपल के पेड़ के नीचे एक भैया हैं, वो बैठते हैं और बहुत बहुत ही अच्छा ड्रम बजाते हैं। दोस्तों कहीं मौका मिला तो उनका ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ये है पुष्कर सरोवर, ब्रह्म पुष्कर सरोवर। चलिए दोस्तों यहाँ पे अभी आरती होने वाली है तो हम चलते हैं डायरेक्ट आरती पर, जो कि होगी पुष्कर सरोवर की आरती। दोस्तों इस पुष्कर सरोवर में
बहुत सी भत्के भी हैं यहाँ पे। आप चाहें तो इनको दान दे सकते हैं, गुप्त दान, यानी कि आप इनको यहाँ पे भोजन दे सकते हैं। दोस्तों ये हो रही है पुष्कर सरोवर की आरती। वैसे आरती ख़त्म हो रही है दोस्तों, कभी मौका मिला तो मैं आपकी इनकी पूरी आरती दिखाऊंगा पुष्कर सरोवर की। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे पुष्कर मेले में बहुत ही ज़बरदस्त आरती होती है इस ब्रह्म पुष्कर सरोवर की। कभी मौका मिला तो उसका ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। चलिए दोस्तों अब होने वाला है अंधेरा, हम इसी के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियोस को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो।